दस्तक अभियान के तहत ब्लड डोनेशन कैंप जारी। सिंधु समाज पहुंचा जिला अस्पताल, किया ब्लड डोनेशन। कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग दस्तक अभियान चला रहा है। हम आपको बता दें, यह अभियान इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। इस दौरान कुपोषित पाए गए बच्चों को ब्लड चढ़ाकर उनका कुपोषण दूर करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते अभी तक काफी लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। वहीं 73 बच्चों को ब्लड चढ़ाकर उनका कुपोषण दूर करने का प्रयास भी किया गया है। इसी के चलते रीवा के जिला अस्पताल में एक बार फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां सिंधु सभा ने ब्लड को डोनेट किया। इस बारे में हमने जिला अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर संजीव शुक्ला से बात की। वहीं समाज सेवा में समय समय पर इस तरीके के काम करने वाली अग्रणी सिंधी समाज ने सोमवार को जिला अस्पताल पहुंचकर कुपोषित बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन किया। हमने सिंधु सभा के अध्यक्ष प्रसरदार प्रहलाद सिंह से भी इस बारे में बातचीत की। जिला अस्पताल में सीएमओ साहब ने, सुरेश साहब ने बैठक बुलवाई थी कि ग्रामीण अंचल के जो कुपोषण वाले बच्चे हैं, ब्लड की बहुत कमी है, इसलिए उनके लिए ब्लड की आवश्यकता है। इसलिए आप सब लोग ये सहयोग करेंगे तो उनका उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। और ये बात हमको अच्छी लगी और फिर हमने सिंधु सभा में प्रयास किया और उनको ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया। समय थोड़ा था, उस हिसाब से भी काफ़ी लोगों ने ब्लड दे दिया है। जो भी सहयोग बन सका समाज की तरफ से, सब बच्चे बड़े उत्साहित और खुशी खुशी से उन्होंने रक्तदान किया है। ये बहुत रक्तदान कहते हैं महादान, और जीवन दान है बच्चों के लिए। और ये हमारा फ़र्ज बनता है कैसे जो बच्चे हैं गरीब परिवारों के कुपोषण प्रॉब्लम है उसमें ये सहयोग करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। और हम भी चाहते हैं कि समाज की भी इसमें भागीदारी रहे और आगे भी हम लोग इस तरीके से भागीदारी में शामिल होते रहेंगे, जिससे कि ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों को उनके स्वास्थ्य को ताकत मिले। और बच्चे पूरे प्रदेश के साथ साथ अपने रीवा ज़िले में भी, पूरे ज़िले में दस्तक अभियान के अंतर्गत खून की कमी व कुपोषण वाले बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। और जो खून की कमी वाले कुपोषित बच्चे हैं उनको जिला चिकित्सालय पूरे ज़िले से आ रहे हैं वो, और यहाँ पे उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। और अपने NRC में कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। और अभी तक अभी ऐसे रक्तल्पता वाले 73 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। और ये चूँकि अपना अभियान 31 जुलाई तक क्रियान्वित होगा और पूरे ज़िले से बच्चे आ रहे हैं, उनको जो खून की कमी वाले बच्चों को ब्लड की आवश्यकता को देखते हुए आज अपने सिंधु समाज के द्वारा रक्तदान शिविर का ये आयोजन किया गया है। इसमें अभी तक करीब 15 बच्चों ने, 15 जो अपने नौजवान हैं, इन लोगों ने पूरे उत्साह के साथ स्वेच्छा से रक्तदान किया है। और उम्मीद है कि अभी निरंतर ये शिविर चालू है और भी 20-25-30 इसमें अपने सिंधु समाज के जो सदस्य हैं सब आके बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, क्योंकि जो अपने कुपोषित बच्चे हैं, रक्त अल्पता वाले बच्चे हैं, उनके जीवन दान के लिए ये जो रक्त है बड़ा काम करेगा।